श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं एक बगलामुखी का मंत्र और उसका साधना विधि आप लोगों को दूंगा। अघोर में बगलामुखी की साधना एक रात की साधना है, ठीक है, लेकिन उसकी साधना नवरात्र के समय दीपावली के एक दिन पहले जो 14 होता है उसमें होता है, या बहुत स्पेसिफाइड रातें हैं जिसमें कि बगलामुखी की साधना होती है, और बगलामुखी एक रात में सिद्ध होने वाली देवी है। लेकिन क्योंकि आप में से बहुत लोग रोज़ बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं और बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बगलामुखी मंत्र देना चाहिए, सात्विक में ऐसा मंत्र जो कि गृहस्थ यूज़ कर सके। देखिए, जब आप बगलामुखी मंत्र का सर्च करते हैं तो इंटरनेट या किताबों में बगलामुखी के उग्र मंत्र का वर्णन है जो कि शत्रुमर्दन का मंत्र है। तो आप आम जीवन में शत्रुमर्दन का मंत्र क्यों करोगे? मारिया मारिया, पूछिए पूछिए, काटिए काटिए, ये सब करने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ कि घर में जिस तरीके के मंत्र का आप जाप करते हो, घर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसी तरीके से बिल्डअप होता है। इसी कारण से घर में कोशिश करना चाहिए जितना सौम्य मंत्र हो उसका प्रयोग करें। भगवती देवी बगलामुखी का जो जाप है वो अघोर मतलब तांत्रिक विधि से भी होता है और सात्विक विधि से भी होता है, और भगवती का जो मंत्र है वो काफ़ी अलग अलग अक्षरों का होता है। जैसे सबसे जो आसान मंत्र जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो एकाक्षरी है बगलामुखी का, जैसे ह्लिम जिसका बीज है, बीज मंत्र ह्लिम है। तो अभी एक साधक ने मुझे एक मेल किया था कि ह्लिम जो है वो मतलब किलित कर रखा महादेव ने, इसीलिए रिम का यूज़ होता है, रॉ एक उसमें ऐड होता है। उस पे भी मैं आपको बताता हूँ कि ह्लिम का भी आप जाप कर सकते हैं। महादेव जी ने सारे सात्विक मंत्रों को, भगवती के तो मैक्सिमम मंत्रों को किलित कर रखा है, लेकिन उसका एक उन्होंने बड़ा साधारण मार्ग भी बताया है। आपको उत्कीलन ना आता हो, आपको साप विमोचन ना आता हो, तो महादेव जी ने एक उसके लिए 3 शब्द का उपाय बताया है। क्या उपाय बताया? ददति प्रति गृहति, मतलब दो और लो। तो आप जैसे किसी भगवती का जाप करते हो तो उस भगवती के चरण में पहले उस जाप को दे दो, उसके बाद आप उनसे वो जाप ले लो। तो इससे क्या होता है कि अगर उस मंत्र पे कीलन लगा हुआ है या उत्कीलित किया हुआ है तो वो मंत्र का जो है वो हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा नवारण मंत्र के अंत में भी है, गुहिया गुहि गोपत्रितुम गृहणम स्वंकृतम जपन सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी। मतलब आप जाप करते हैं, माला को भगवती के चरण में सटाते हैं और उसके बाद उसको वापस अपने पास रखते हैं कि अब मैंने आपको जाप दे दिया और अब जाप वापस ले लीजिए। उसी तरीके से बगला का एकाक्षरी बीज जो है ह्लिम, भले वो उत्कीलित हो लेकिन आप उसको जाप करके माँ बगला को दे करके और फिर उसको वापस रख लीजिएगा तो वो जो है उत्कीलन से मुक्त हो जाता है। उसी तरीके से आप अगर उत्कीलन पढ़ते हुए, जैसे गायत्री का, मैंने गायत्री जब मंत्र बताया था तो मैंने बताया था कि आप उत्कीलन का मंत्र करो, लेकिन गायत्री जाप करने के बाद भगवती को वो देना ज़रूरी है, वो आप दे के वापस लोगे तभी वो सिद्ध होता है। तो एक बार जब आप भगवती को दे के उनसे वापस लेते हो, दो और फिर लो, तो उससे वो जो भी की उत्कीलन है वो कट जाता है। दूसरा, दो और लो में एक चीज़ और है कि आपका भाव भी होना चाहिए उस मंत्र को करने के लिए और उसको करने का विधि भी होना चाहिए। तो बगलामुखी भगवती का जो मंत्र होता है एकाक्षरी ह्लिम है, तो शुरुआत ह्लिम से करना चाहिए क्योंकि ह्लिम जो है वो उग्र मंत्र नहीं है। किसी भी बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो पहली बार में आपको संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवती, मैं किसी भी स्थान में हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, आपका मैं ये जाप 21 दिनों में 4,00,000 करूँगा। 4,00,000 से शुरू करना चाहिए, ठीक है, और पूरे जीवन में उसका 96,00,000 करना चाहिए, जैसा मैंने बताया था कलयुग में ऐसा करना चाहिए। इसके बाद भगवती का 4 अक्षर का मंत्र है, 8 अक्षर का मंत्र है, 19 अक्षर का मंत्र है और फिर 36 अक्षर का मंत्र है, अलग अलग अक्षर का मंत्र है। 9 दिन आप लोग किसी भी एक मंत्र को रात्रि में अगर करते हैं 11 माला, ठीक है, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र जितना करते जाइएगा उतना आपका वो बढ़ता जाएगा। तो ये 9 माला इनिशियल स्टेज में करिएगा और उसके बाद फिर जो है हर रोज़ एक माला आप करिएगा। अभी जो मैं देखो, पहला स्टेज ये हुआ कि आपने भगवती का
पूजा किया। पूजा करने का, जैसे मैंने दुर्गा देवी का पूजा विधि पूरा बता रखा है, तो उसमें दुर्गा माँ भगवती देवी दुर्गा नमः पुष्पम समर्पयामि जैसे बोला, तो उसमें दुर्गा नाम हटा के बगलामुखी करके उसी पूजा विधि से आप रोज बगलामुखी की पूजा करोगे अगर करना है तो। ठीक है, बगलामुखी का जो आज मंत्र दे रहा हूं ये यश और ऐश्वर्य के लिए है। ठीक है, तो इसको करने से पहले 400,000 बीज मंत्र का जाप कर लेना तो बगला जागृत हो जाएगी। अच्छा, बगलामुखी के बारे में एक बात और है कि बगलामुखी होती क्या है, माँ बगला कौन है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बगलामुखी, लोग सोचते हैं मतलब देखिए कितना अभ्रंश हुआ चीजों का, जैसे कि बगलामुखी का एक ही मंत्र चलने लगा, मारिया मारिया काटे काटे पूछे पूछे, तो लोग समझने लगे हैं कि माँ बगलामुखी जो है किसी भी नेगेटिव चीज को रोकती है, मतलब स्तंभन को रोकती है, स्तंभन कर देती है, मतलब शत्रु का स्तंभन हो गया, शत्रु का मरण हो गया, ऐसा नहीं है। बगलामुखी जो है वो गलत नाम है, माँ भगवती का नाम बगलामुखी है। वगला, वगला का मतलब होता है स्तंभन, ठीक है, और मुखी का मतलब होता है जिससे उत्पत्ति हो, जैसे ज्वालामुखी, तो ज्वाला जिसमें रहती है, जिससे ज्वाला निकलती है, तो जिससे स्तंभन निकलता हो वगला। लेकिन वगला जो है वो अपूर्ण है, पूरा माँ का नाम है वगलाहनाम, मतलब जो स्तंभन को काटती हो वो देवी, स्तंभन को काटने वाली की शक्ति जिसमें हो वो बगलामुखी देवी होती है। ठीक है, इनको शास्त्रों में कई नाम से, कई विधान से इनकी पूजा की गई है ना। तो बगलामुखी का बहुत सारा क्या कहते हैं, बगलामुखी का बहुत सारा रूप, बहुत सारा भेद बताया गया है। तो जो मूल भेद सब शक्ति का क्या है, यथा काली तथा तारा तथा नील सरस्वती, मतलब जो काली है वही तारा है, वही नील सरस्वती भी है। भगवती बगला के बारे में बोला जाता है, देखो भगवती बगलामुखी को लेकर के द्वंद शैविक में भी और वैष्णव में भी है। वैष्णवों का कहना है कि जो विष्णु की शक्ति है वही बगलामुखी है, और जो शैविक है उनका कहना है कि जो रुद्र के कंट्रोल में रहती है वही बगलामुखी है। ठीक है, तो बड़ा उनका रूप है, जैसे विष्णु रूपा जग मोहिनी ब्रह्म रूपा हरि प्रिया बगला परमेश्वरी ब्रह्म स्थिता ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्मणा वेद वंदिता सर्वदेवमयी देवी सर्वगम भयापहा ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति पंचवक्ता शिव प्रिया। तो शुरुआत हुआ विष्णु रूपा जगन मोहिनी ब्रह्म रूपा हरि प्रिया, ठीक है, और अंत में कि ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति पंचवक्ता शिव प्रिया। ठीक है, तो सब सब शक्तियों का समन्वय बगलामुखी में है, बगलामुखी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 400,000 माँ भगवती का जाप करेंगे, बीज मंत्र का ह्लिम का जाप करिएगा। आपको मैंने बता दिया अगर ह्लिम किलित भी है, देखो एक तो कलयुग में सारे मंत्र किलित है सावर को छोड़ के, उसके बाद भी अगर आप साबर के बदले सात्विक मंत्र की पूजा करते हैं, तो पूजा मैंने आपको समझ लेना है कि ऐसे तो कीलन उत्कीलन का बहुत विद्या है, लेकिन जो सबसे आसान विद्या है वो है दो और लो, माँ भगवती को भाव दो, मंत्र दो, पूजा दो, और उनके उसके बदले में उस मंत्र को आप ले लो। ठीक है, माँ को ऐसे समर्पित करो, वापस ले लो। अब मंत्र सुनो, जो मंत्र है जो घर में कर सकते हैं सौम्य मंत्र है, और इस मंत्र को करने से यश कीर्ति धन वैभव, मतलब जितना क्रीमी वर्ड है सब आपके पास आ जाएगा, वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐम भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा। इस मंत्र को आप जब एकाक्षरी मंत्र 400,000 कर लेंगे, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि नवरात्र में करने का, सबसे बढ़िया रहता है उस समय भगवती की साधना। हाँ, और इसको रोज 11 माला कीजिएगा। देखिए वेद अनुसार जाइएगा तो फिर 1,25,000 1,50,000 5,00,000 जाप होता नहीं, आप नॉर्मल पूजा आपको करना है, आपको भगवती को अपने घर में स्थापित करना है 11 माला। भगवती बगला की पूजा शुरुआत आप रात में ही कीजिएगा, और रात में हमेशा पूजा कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे बताया सब
आप 9 दिन तक पहले भगवती को पूजा करिएगा, बुलाने का मंत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है, उससे पूजा करो, 9 दिन तक करो इसका, 11 11 माला जाप, उसके बाद इसका दशांश हवन करना, ठीक है। दशांश हवन करने के बाद आप सिर्फ, इसमें सिर्फ हवन से काम नहीं चलता है, इसमें आपको उसके बाद जो है तर्पण भी करना पड़ता है। तर्पण क्या होता है, तो जल में तर्पण होता है। उसके लिए क्या कीजिएगा, एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें पानी थोड़ा सा गंगा जल दे दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद एक छोटे पात्र में पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, शहद डालिए, शक्कर डालिए, दूध डालिए, केसर डालिए, ये सब मिला करके, और जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही इस मंत्र से आप अर्घ दीजिएगा उस बर्तन में। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा तर्पयामि, ठीक है। जब आप हवन कीजिएगा तो उसमें स्वाहा लग जाएगा, और अंत में मार्जन करना। मार्जन करने का क्या मतलब होता है, एक चीज होती है घास की कूस, उसको कहते हैं, तो कूस को गंगा जल में डुबा करके, और भगवती का जो भी आप यंत्र स्थापित कीजिएगा, जब आप पूजा करिए तो चाहे तो तस्वीर या यंत्र भी कीजिएगा, यंत्र भी कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उस यंत्र पर आप गंगा जल से छींट मारिएगा, और मतलब कूस डुबाइएगा और गंगा जल के ऊपर छिटिएगा, और बोलिएगा श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा मार्जनम। उसके बाद ब्राह्मण भोज कीजिएगा, इतना कीजिएगा, क्योंकि गृहस्थों की पूजा है, आपको सारा जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। इसमें संख्या के दृष्टिकोण से जैसे आप लोग करते हैं, हवन दशांश होगा, ठीक है, तर्पण भी दशांश होता है, और जो मार्जन है वो एकांश होता है, मतलब जो कूस से आप ऐसे करके छींटिएगा वो एकांश होगा, मतलब जितना आपने जाप किया उसका 1%। तो इतना करने से आपका एक मंत्र सिद्ध होगा जो आप रोज बगलामुखी का घर में कर सकते हैं। मैं आपको ये मंत्र इसलिए जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि जो उग्र मंत्र होता है ना, मारिया मारिया काटिया काटिया पूजे पूजे पूजे, ये सब नहीं करना चाहिए, दहा दहा पचा पचा, क्योंकि ना आपका कोई दुश्मन है, मंत्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो मंत्र कहीं ना कहीं काम करेगा, अब आपके अगर दुश्मन नहीं है तो वो आप पे काम करने लगा। दूसरा, उग्र मंत्र बगलामुखी का क्या है, बगलामुखी हंती भी है, वो बलि भी लेती है, तो बहुत सारे बगलामुखी साधक को देखिएगा कि उनके घर में पुत्र शोक होता है, तो ये सब ध्यान रखते हुए गृहस्थों को पूजा करना चाहिए। इस बगलामुखी के मंत्र से आपको क्या लाभ होगा, आपको यश और कीर्ति और धन की प्राप्ति होगी, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। अब इसके बाद नवरात्र के आसपास में मैं आपको एक बगलामुखी साधना दूंगा जो एक रात में सिद्ध होगा, और वो एक बार सिद्ध करके आप उसको जीवन भर उसका प्रयोग कर सकते हो, वो सावर विधि है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को साधना का बेसिक रूल समझना है, आसन बंधन और ये सब, तो आप मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है तो मेरा एक किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो खरीद के आप पढ़ सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है www.अघोरतंत्ररहस्य.xyz, उस पर एक सेक्शन है अपॉइंटमेंट, उसमें जाके अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी पर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, कॉलिंग बटन आएगा, आप कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।